शिमला के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजौली में 6 छात्रों के निष्कासन के बाद छात्र संगठन एसएफआई और कॉलेज प्रशासन में तनाव बढ़ गया है। छात्र संगठन एसएफआई द्वारा पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज शिमला शहर के सभी कॉलेजों से एसएफआई कार्यकर्ता संजौली कॉलेज पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर के अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस व क्यूआरटी जवान और एसएफआई के छात्रों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। एसएफआई ने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक निष्कासित किए गए छात्रों को वापस नहीं लिया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। एसएफआई के राज्य सचिव दिनेश डंडा ने कहा कि जिन छात्रों को निष्कासित किया गया है वो उस छात्र के खिलाफ खड़े थे जो छेड़छाड़ के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही थी। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन यदि अपना अड़ियल रवैया नहीं बदलता तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जाएगा और सचिवालय तक का भी घेराव किया जाएगा। आज संजौली कॉलेज के अंदर जो धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं इस बात को लेकर हो रहा है कि कॉलेज से 6 छात्र छात्राओं को निष्कासित किया गया है, उनको एक्सपेल किया गया है केवल इस बात को लेकर कि इस कॉलेज के अंदर एक छात्रा जिसके साथ छेड़खानी होती है जब अपनी कंप्लेंट लेके कॉलेज के वुमेन सेल के पास जाती है तो वुमेन सेल उसकी बात को दबाने की कोशिश करता है। ऐसे भाई उसके साथ खड़ी होती है, ऐसे भाई के लोग कॉलेज के वुमेन सेल के लोग जो टीचर से पूछने की कोशिश करते हैं कि आप अभी इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं इस पे ले रहे हैं, क्यों आप बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ इस कॉलेज के जो कुछ गिने चुने प्रोफेसर है जो यहाँ राजनीति करने का काम करते हैं वो ज्यादा लोग नहीं है, 3-4 लोग हैं जो राजनीति करने का काम करते हैं, गुंडागर्दी करने का काम करते हैं। कुछ महीने पहले भी इंसिडेंट हुआ था, यहाँ के एक सीनियर प्रोफेसर ने कॉलेज के प्रधान और सेक्रेटरी को मारा था, अभी फिर से वो इंसिडेंट होने लगा है। इन लोगों ने कॉलेज के जो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता है उन लोगों के ऊपर उनके साथ मारपीट की गई, उनको धक्का मुक्की की गई, उनको मारा गया और उसके बावजूद उन लोगों को यहाँ से एक्सपेल किया गया। उनकी गलती केवल इतनी थी कि वो एक छात्रा के साथ खड़े थे जो छात्रा छेड़खानी के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही थी। हमारा ये मानना है कि इस लड़ाई को केवल हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे जब तक छात्रों का निष्कासन वापस नहीं लिया जाता और इस कॉलेज के अंदर ये जो बार बार गुंडागर्दी का और डर का माहौल बनाया जा रहा है इस माहौल के खिलाफ पूरे प्रदेश के अंदर देशव्यापी लड़ाई हम लोग लड़े। हमें अभी अल्टीमेटम दिया है, पुलिस प्रशासन से बातचीत करें कि हमें वार्ता के लिए बुलाया, हम बात करना चाहते हैं, अगर ये बात नहीं करते तो हर रोज इस कॉलेज के बाहर धरना होगा जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हम शिमला के उपायुक्त से भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम शिक्षा मंत्री से लेकर सीएम से तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और पूरे प्रदेश के स्तर पर देशव्यापी आंदोलन इसको यहाँ सरी अगर आप ये शिक्षकों का उन्होंने अपना पक्ष रखा है पर आप उनसे पूछ लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो उनके पास सबूत किस बात का है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। इस कॉलेज के अंदर वो भी प्रोफेसर है जो शरियाम मीडिया के सामने ये बोलते हुए सुने गए कि मैं गुंडा हूँ, वही प्रोफेसर अभी द्वारा से इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, वही प्रोफेसर द्वारा से इस घटना के अंदर इन्वॉल्व है, वही अपनी गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ध्वंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों को इस बात के लिए धमकाते हैं कि शाम को संजौली चौक जाके मिलो, इस तरह के प्रोफेसर हमने तो आज तक किसी कॉलेज के अंदर नहीं देखे और ऐसे प्रोफेसर को हम कॉलेज के अंदर बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। वहीं कॉलेज प्राचार्य भारती भागड़ा ने कहा कि कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को कई बार शो कॉज नोटिस जारी किया लेकिन छात्र बाज नहीं आए, शिक्षकों के साथ बदतमीजी की जा रही और धमकियां दी जा रही है, जिसके बाद प्रशासन ने पूरे स्टाफ व वुमेन सेल की सिफारिश पर 6 छात्रों को निष्कासित किया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को बार बार नोटिस दिए गए हैं, इनका निष्कासन वापस नहीं लिया जाएगा। शुरू होता है हम तीनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को बुला के मीटिंग्स करते हैं और उनको अपने बताते हैं ये कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, आपने किस तरह से इस कॉलेज में बिहेव करना है। तो फर्स्ट मीटिंग में एसएफआई के जो प्रेसिडेंट हैं प्रवेश और जो सेक्रेटरी हैं अंशुल, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपके बनाए हुए रूल्स को नहीं मानेंगे, हम बिना परमिशन के धरना करेंगे रोज प्रदर्शन करेंगे, तो ये इस तरह से जो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नहीं चल सकता, हमने मना किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने हर चीज़ के लिए मना किया, 2-3 इन्होंने प्रदर्शन किए, धरना किए, जिसमें इन्होंने काफ़ी कुछ कहा, हर चीज़ का विरोध किया, हमने फिर भी इनको कुछ नहीं कहा। फिर एक बार हमने एक हमारे सीनियर टीचर ने इनसे सिर्फ ये पूछा अपना आई कार्ड दिखाओ, तो आई कार्ड तो टीचर पूछ ही सकता है ना, आई कार्ड तो मांग सकता है कि वेदर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज और नॉट। तो जब उनसे आई कार्ड लिया गया तो उसने उस टीचर को मारा, उसकी हमारे पास वीडियो है। और जब टीचर ने बोला कि चलो प्रिंसिपल के पास चलो, मैं देख, और बहुत उनके उन्होंने टीचर को मारा और उसको पकड़ के वो अंदर लाए टीचर। उसके बाद उन्होंने मेरे टेबल को, जो मेरी चेयर थी, मतलब मैं पीछे जाके गिरी, इन्होंने मेरे टेबल को इतनी ज़ोर से धक्का दिया और उसके बाद ये लोग बाहर चले गए। फिर हमने इसके जो एपिसोड था उसके खिलाफ अगले दिन ये एसएफआई के यूनिवर्सिटी के
पांच सात लोग लेके धमाधम मेरे कॉलेज में घुस गए, जिसकी वीडियोस आप लोगों ने भी बनाई थी। उस दिन भी आपने एसएफआई के जो यूनिवर्सिटी से आए थे, आप लोगों ने भी उनके साथ देखा था, मेरा व्यवहार भी देखा था और आपने उनका व्यवहार भी देखा था। फिर मेरे सारे स्टाफ ने बोला, जी ये तो बहुत ही बदतमीजी पे उतर आए हैं और इस तरह से हमें कार्य करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अगले दिन ये सुबह आते हैं कि हमने धरना प्रदर्शन करना है कि आप लड़की के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। मैंने बोला कि आपको परमिशन नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आउटसाइडर बुला लिए अपने और यहाँ पर टीचर्स को बहुत बदतमीजी की, मैन हैंडलिंग की और काफ़ी सारे टीचर्स को बोला आप चौक पे आइए, हम आपको देख लेंगे। इनको बोला कि आपके तो सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, आप क्यों छुछुंदर की तरफ उदक, आपने बोला तू काय को छुछुंदर की तरफ उदक रहा है। अब आप बताइए हम कितना इनका ये हमारे स्टूडेंट हैं, पर ये स्टूडेंट नहीं है। ये जो इनका व्यवहार है वो शिक्षकों के प्रति ठीक नहीं है। हर टीचर को इस तरह से कहना कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, आप बाहर निकलो, इस तरह से मेरे स्टाफ ने बोला, जी इस तरह से काम करना तो बड़ा मुश्किल है, बताना चाहती हूँ। उसके बाद जब इन्होंने इतना उस दिन टीचरों के साथ मिसबिहेव किया, उसके बाद इन्होंने मुझे वहाँ पर बंद कर दिया, वहाँ गेट बंद कर दिया मेरा, ये दोनों गेट बंद कर दिए, बच्चों को बाहर ना जाने दें, और टीचर्स को धमकाया। उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, मैंने एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद हमने जो था इन बच्चों को निष्कासित करने का फैसला लिया कि हम इनको यहाँ से कॉलेज से, क्योंकि ये बिल्कुल भी किसी तरह से मान नहीं रहे थे।